Okay. Actually, they're launching the Click Club. It's been a great interaction, great interacting session. बहुत सारे आजकल सोशल मीडिया बहुत ही इम्पोर्टेंट है सबकी लाइफ में, और आई थिंक यहाँ पर हमें ये भी पता चला कि कौन किस तरह से ऑपरेट करता है, किसके लिए कितना मायने रखता है सोशल मीडिया, और सोशल मीडिया का कितना इन्फ्लुएंस है हमारे लाइव्स में, प्रोफेशनल लाइव्स में भी आजकल. बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, बहुत ही इंटरेस्टिंग लोग आए हुए हैं, और बहुत अच्छा लगा सबके साथ बातें करने में. द क्लिक क्लब इज़ एक्चुअली अ नेटवर्किंग क्लब फॉर सोशल मीडिया यू नो इन्फ्लुएंसर्स एंड ब्लॉगर्स हु कैन कम टुगेदर एंड यू नो बी आई थिंक हेल्पफुल टू ईच अदर एंड हेल्प क्रिएट अ स्पेस where creative minds can come together, where they can create the content that they want to. So exclusive club hai, members only club hai, and this can, I think, this can do wonders for Indian social media. मेरे लाइफ में देखिए मेरे मेरा जो वर्क है, मेरा जो काम है, एक्टिंग हो, मॉडलिंग हो, एंटरप्रेन्योरशिप हो, ये एक एक्सटेंशन है सोशल मीडिया के थ्रू. लोगों को ये पता चलता है कि मैं, मेरा नेक्स्ट प्रोजेक्ट क्या है, मैं किस पे काम कर रही हूँ, और लोग जो जानना चाहते हैं वो जान सकते हैं उससे, लेकिन कितना मैं इंफॉर्मेशन देना चाहती हूँ वो मेरे ऊपर है. तो मुझे लगता है वो बैलेंस बहुत इम्पॉर्टेंट है. सोशल मीडिया एक सपोर्ट की तरह हम यूज़ कर सकते हैं, पर अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए. इसके अलावा वॉर भी आ रहा है, क्या जी वॉर के लिए? आई थिंक वॉर को लेकर सभी बहुत एक्साइटेड हैं. अच्छा लग रहा है, टीज़र रिलीज़ होने के बाद बहुत सारे रिएक्शंस मिले हैं. बावजूद इसके कि मैं टीज़र में नहीं हूँ, सब बहुत उत्सुक है कि मेरा रोल कैसा है, क्या है जो मैं, जिसके बारे में मैं बात नहीं कर सकती. बिल्कुल ही नहीं, लाजवाब तो वो दोनों है ही. मैं भी वेट कर रही हूँ एक्चुअली कि मैं भी पूरी पिक्चर देखूँ. सो या आई एम एज ईगर एज यू आर. मेहनत आई थिंक जो भी प्रोजेक्ट हो उसमें तो करना ही पड़ता है, अपना काम है. और मैं ये नहीं कहूँगी कि किसी फिल्म के लिए ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है और किसी के लिए कम, स्केल के हिसाब से. हाँ, बहुत बड़ी पिक्चर है, और आई थिंक मैं पहली बार इतनी बड़ी स्केल की पिक्चर में आ रही हूँ, तो खुशी है इस बात. ऐसी बातें ना पूछा कीजिए. नहीं नहीं, अगर ऋतिक मतलब चूज़ ही अगर करना होता तो ऋतिक वर्सेस टाइगर नहीं होता. द होल रीज़न ऑफ हैविंग देम टुगेदर इन अ फिल्म आई थिंक इज़ बिकॉज दे आर बोथ एक्सलेंट एंड यू कांट रियली चूज़ वन ओवर द अदर एज फार एज डांसिंग इज कंसर्न. थैंक यू. Look here, sir. Thank you. Thank you. Look here.
बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट लॉन्च किया है आर डियर फ्रेंड मेघा ने, एंड इट्स कॉल्ड द क्यूट क्लब, एंड इट्स ब्रांड न्यू कॉन्सेप्ट. इट्स अबाउट सोशल नेटवर्किंग एंड हाउ यंग एंटरप्रेन्योर्स कैन कम टुगेदर. All similar mindsets, how everyone will come under one roof. I think Megha is outstanding with what she does. ये भी उतना ही बेहतरीन होगा. Social media has become an important part of our lives now. We share and we get to know about others, what they are doing. So it's very important now to connect with people and सिर्फ पर्सनल लेवल के लिए नहीं, इवन फॉर वर्क. एवरीबडी इज कनेक्टिंग विद ईच अदर, दे आर मीटिंग, एंड दिस इज अ ग्रेट प्लेस टू मीट, अ ग्रेट वे टू मीट पीपल एंड नेटवर्क एंड टेक देयर वर्क और देयर पर्सनल लाइफ फॉरवर्ड. सिमिलर माइंड सेट्स हो लोगों के, सिमिलर एज ग्रुप हो, नई आइडियाज हो, एक प्लेटफॉर्म एक छत के नीचे आना जरूरी नहीं है. व्हाट बेटर कैन इट गेट. That's the next thing. I think उसके अलावा तो आगे रास्ता ही नहीं. Yeah. I think nowadays even आप देखेंगे songs भी, अगर मैं music की बात करूँ, so there are so many songs जो सिर्फ special OTT platforms पर ही release हो रहे हैं, and actually people are listening to them, and there is so much happening. And now as much as we have audience for television films, we have audience for OTT platforms, and people are really investing in that now. That's the future. खतरा खतरा में मैं एक बार गई थी होली स्पेशल पे, और आई लव भारती. आई जस्ट लव द एंटायर गैंग ऑफ खतरा खतरा. इतने मस्ती वाले हैं और शैतान लोग हैं, एंड दे आर स्प्रेडिंग सो मच ऑफ जॉय. मेरी मदर का फेवरेट शो है खतरा 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 अभी. मैंने अभी ऑल सॉन्ग्स रिकॉर्ड किए हैं फिल्म में, एंड जल्दी ही रिलीज होने वाले हैं, सो लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट. थैंक यू. थैंक यू. सबको पूछा होगा, कुछ और पूछो यार. ये क्वेश्चन आपको फर्स्ट टाइम आया है? मुझे हर किसी ने ये क्वेश्चन पूछा है. आपने हर किसी को ये क्वेश्चन पूछा होगा, कुछ और पूछो. बी अ लिटिल इनोवेटिव, कम ऑन.
कॉफी क्या क्लब के बारे में? अब तक मैं अंदर नहीं गई हूँ, मुझे आप लोगों ने अंदर जाने नहीं दिया है, मुझे बाहर पकड़ लिया है, तो मैं क्या बोलूँगा? सोशल मीडिया के बताया जाएगा, बहुत ज़्यादा सबको पता है मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव हूँ, कोलैबोरेशंस करती हूँ, काफ़ी कुछ करती हूँ, मेकिंग अ लॉट ऑफ बग्स फ्रॉम इंस्टाग्राम एंड अ लॉट ऑफ अदर सोशल प्लेटफॉर्म्स एंड ऑफ कोर्स इट्स अ फ्यूचर, सो मेरे कुछ कहने नहीं कहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, इट इज़ अ फ्यूचर, इट्स अ फ्यूचर। चार लोगों के लिए सोशल मीडिया क्या है, क्या मायने? इट इज़ अ प्लेस वेयर यू कनेक्ट विद अ लॉट ऑफ पीपल ग्लोबली एंड इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है कि आप यहाँ बैठे हॉलीवुड में लोगों के साथ कनेक्ट कर सकते हो, इटली में, ग्रीस में, सिसली में, एवरीवेयर, इट्स ब्यूटीफुल ऑफ कोर्स। सॉरी, OTT प्लेटफॉर्म फ्यूचर है, TV मैं नहीं बोलूँगी फेड हो रहा है क्योंकि मेरे सारे TV एक्टर फ्रेंड्स मुझे मारेंगे, लेकिन या OTT जो है फ्यूचर है हमारे इंडिया का फ्यूचर है और बहुत जल्दी बहुत बड़ा होने वाला है OTT प्लेटफॉर्म। नहीं, सिनेमा हमेशा से अच्छा था और अब सिनेमा बहुत अच्छा हो गया है ऑफकोर्स, बट मुझे नहीं लगता इसमें OTT प्लेटफॉर्म का कुछ भी लेना देना है। OTT प्लेटफॉर्म की फिल्म भी बहुत अच्छी हैं ऑफकोर्स, बट हमारा इंडियन सिनेमा हैज़ नथिंग टू डू विद OTT प्लेटफॉर्म। आई डोंट थिंक इट्स इंस्पायर्ड बिकॉज ऑफ OTT प्लेटफॉर्म, आई डोंट थिंक इट्स ट्रू। बिग बॉस भी आने वाला है मुंबई में, ये इस बार जाना चाहेंगे? नहीं नहीं, मुझे ऑफर हुआ था, बहुत सालों से हो रहा है एंड आई एम नॉट डूइंग बिग बॉस दिस ईयर। सलमान पर्सनली कॉल करके सलमान तो पर्सनली कॉल करके बोलेंगे ही नहीं, बिकॉज वो ऐसे काम नहीं करते हैं, ही इज़ वेरी रिस्पेक्टेड एंड वो ऐसी ऐसी चीज़ों में इंटरफेयर नहीं करते। नहीं, मुझे वाईकॉम से मैं मिली भी थी, बट बिकॉज ऑफ सम ड्यू टू सम रीजंस आई कैन नॉट बी अ पार्ट ऑफ बिग बॉस एंड आई डोंट वॉन्ट टू बी अ पार्ट ऑफ बिग बॉस। बॉलीवुड में प्रस्थानम आ रही है एंड OTT प्लेटफॉर्म्स के लिए दो और बड़ी चीज़ें आ रही हैं विच विल बी आउट क्वाइट सून, क्वाइट शॉर्टली। हाँ जी, मिलेगी ना, बहुत जल्दी मिलेगी। थैंक यू। माहौल तो बड़ा कमाल का चल रहा है, क्योंकि माहौल बनाने वाले कुछ कमाल के लोग हैं हमारे, बहुत ही क्लोज कुछ दोस्त होते हैं और कुछ फैमिली होते हैं, तो ये हमारे ऐसे दोस्त हैं जो फैमिली जैसे नहीं, फैमिली से ज़्यादा हैं और बहुत बहुत मेरा छोटा भाई है लव और मेघा मेरी छोटी बहन, और मेरे भाई बहन ने कमाल का प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है जिसका नाम है क्लिक, और चूँकि हमारे ये जो छोटे भाई हैं ये क्लिक मास्टर हैं, और क्योंकि जो हमारी छोटी बहन हैं वो जो भी करती हैं उनमें मिडास टच है, वो जो भी टच करती है जिस भी चीज़ को सोना उगलती है, तो ये दोनों जो क्लिकिंग स्टार्स हैं एक साथ जब किसी चीज़ को क्लिक करते हैं तो आई विश एंड आई रियली वांट दिस टू रियली रियली क्लिक एंड आई विश देम अ लॉट ऑफ सक्सेस एंड लॉट्स ऑफ लव। आई एम so happy and so proud of both these guys and also their partner. I've not met her but I am aware there's Miss Malpani with them
So I wish they get a lot of malpani, they make a lot of malpani together, and I hope it works very well for all of them and for everybody connected to them. Sir, social media पे क्या कहना है? Social media पे depend है. Social media पे ये क्या? हम सब की ज़िंदगियाँ dependent है. आप ये भी social media पे ही डालने वाले हो? Channels पे डालोगे, eventually social media पे आएगा. Today everything हम छीकते हैं तो भी social media पे डालते हैं. हमारे सुख दुख में वो बोलते ना सुख दुख का साथी सोशल मीडिया हो गया, विच इज़ या वी आर वेरी वेरी डिपेंडेंट ऑन द सोशल मीडिया, विच इज़ नॉट गुड ऑल्सो, बट ये सम गुड थिंग ऑल्सो हैपन. आई नो लव थ्रू सोशल मीडिया. तो ऐसे बहुत सारे रिश्ते बन जाते हैं, बहुत काम भी हो जाता है सोशल मीडिया. सो आई थिंक देर हैज़ टू बी अ गुड बैलेंस बिटवीन वर्क, प्लेजर एंड एडिक्शन. वी नीड टू नो वे टू ड्रॉ अ लाइन, विच नन ऑफ अस नोस. बिग बॉस भी आ रहा है, इस पर मुंबई होने वाला, क्या कहते हैं बिग बॉस होगा तो सूटेबल होगा, मुंबई से बाहर भी जाना होगा, जैसे कि मुंबई नहीं है इस बार, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? बिग बॉस तो जब भी होता है तो वो विस्फोटक ही होता है, कमाल का होता है. इनफैक्ट वही एक शो है जो मैं इंडियन टेलीविजन पर देखता हूँ. उसके अलावा मैं पिछले 5-10 साल में आई डोंट थिंक मैंने कोई और शो देखा है या फॉलो किया है बिसाइड दैट. एंड उसमें वो जो देखने का जो मज़ा है वो कमाल ही है. जो अंदर बेचारे भुगतते हैं वो अलग है, बट हमें तो बड़ा मज़ा आता है. एज एन ऑडियंस आई एम अ ह्यूज बिग बॉस फैन एंड आई हैव वॉच्ड ऑल द सीजंस, ऑल द एपिसोड्स, एंड आई ऑलवेज लुक फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट बिग बॉस, द डे द बिग बॉस फिनाले हैपेंस. सो इधर भी जो होगा बड़ा कमाल का होगा. हैप्पी दिवाली मनेगी रोज़ की रोज़, तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट. यस, वेरी मच. अगर इंडस्ट्री से किसी फ्रेंड को भेजना होगा आपको तो किसे भेजना चाहेंगे? किसकी शामत है कि जो उधर जाएगा? वहाँ जाके बड़ा मज़ा तो आता है. ज़िंदगी लोगों की नज़र में बड़ी कमाल की हो जाती है, मगर बड़ी प्रॉब्लम्स भी होती हैं जो हम काफ़ी लोगों को पता है. तो आई डोंट नो, हमारे बहुत सारे हैं जिन्हें मैं नहीं, मैं ऐसे काफ़ी दोस्तों को जानता हूँ जो उधर जाके बहुत बॉम्ब्स फोड़ेंगे, मगर मैं उनका नाम नहीं लूँगा क्योंकि मैं उन्हें बहुत प्यार करता हूँ. और जो भी जाएगा अच्छा ही करेगा यार, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड सवाल है, ये मत पूछो. थैंक यू, ऑल द बेस्ट. मुश्किल हो जाएगी. प्लस आई जस्ट गॉट मैरिड, 3 महीने हुए हैं, तो मीडिया खफा है, ये भी खफा है कि टाइम नहीं दे पा रहा हूँ. तो दो लोग खफा हैं, प्लस कुछ और लोग खफा हैं जो जिनको बहुत सालों से जानता हूँ. बट चूंकि मैं बहुत दूर शूट कर रहा हूँ तो कई बार थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन आज मुझे आना बहुत ज़रूरी था मेरे लिए. पहली बात तो क्योंकि मैं इनको बहुत सालों से जानता हूँ, ये फैमिली है. मिले नहीं बहुत टाइम बीच में,
लेकिन कहते हैं ना कि हमेशा कुछ लोग बहुत खास होते हैं, तो हम दोनों ने आज डिसाइड किया, स्पेशली मुझे रिप्सी ने कहा कि जितनी लेट भी हो जाए पैकअप करो, बट वी हैव टू गो एंड वी मस्ट गो। सो पहली बात तो बहुत ही अमेजिंग द क्लिक क्लब, नाम बहुत अमेजिंग है, इट्स वेरी कैची नेम, आई थिंक इट्स अ लवली वे ऑफ मार्केटिंग, बहुत ही यूनिक है जो मुझे समझ में आया, आई थिंक वेरी न्यू इनिशिएटिव, और उम्मीद है कि यार somebody is actually taking that step in the right direction. I think Megha and Priyanjali. So congratulations, yaar. It's great, yeah. I mean, what do you feel? I think really good for the upcoming entrepreneurs. Right. Yeah. To personally meet up people and network that way. So I think the young people with such amazing genius minds, they come up and they need a platform. तो कहाँ करें, यू नो, सिर्फ एक बिजनेस कार्ड देने से होता नहीं आजकल। सो आई थिंक यू गॉट टू गेट योर प्रोडक्ट इन पर्सन, सेल इट आउट इन अ वेरी यूनिक क्रिएटिव मैनर, एंड दैट्स व्हेन यू गो। सो आई थिंक मेघा को मैं जानता हूँ सालों से यार, बट टुडे आई थिंक इट्स लाइक शी इज अ जीनियस माइंड मैन। सो ये भी हैं, पूरी फैमिली बहुत टैलेंटेड है, सो आई थिंक इट्स ग्रेट एंड आई एम रियली विशिंग ऑल द वेरी बेस्ट यार, दिस हैज टू रॉक। सो गाइज, द क्लिक क्लब इज राइट हियर। I think Sharad has been a great actor and I think he's been like family, so I'm so happy that he's here right now. Okay, पता नहीं कितने घंटों की जर्नी करके आया, मतलब क्या all the way Naigaon से he's here, so everything is zero when it comes to it's all about supporting each other यार। I think मैं एक बात कहना चाहता हूँ, मैं इनको बहुत सालों के बाद मिला, चूँकि बीच में हम बहुत बिजी हो गए थे, मैं बहुत बिजी हो गया था, ये लोग भी बहुत बिजी हो गए थे, और फिर I've got to clear that air right now is the best way to do it. और मैं इनको शादी में मिला और मुझे बहुत अच्छा लगा, एंड यस आई फील सो हैप्पी दैट फाइनली हियर फॉर समथिंग रियली गुड, इट्स लाइक एन अमेजिंग कॉज है। आई लव यू लव थैंक्स अ लॉट मैन। आपको पसंद कितना पार्टी करना पसंद है, आपने अप्रोच किया किसी सर से, क्या कहना चाहेंगे? किसने अप्रोच किया किसको? यू टोल्ड हिम ना कि अभी चलना चाहिए इधर। या सी द थिंग इज आई रिसीव्ड दैट लिटिल ब्यूटीफुल पैकेज ऑफ योर्स यस्टरडे, लव्ड एवरीथिंग द वे इट वाज यू नो पुट टुगेदर एंड प्रेजेंटेड, एंड प्लस मी मायसेल्फ बीइंग अ बिजनेस पर्सन आई अप्रिशिएट एवरीथिंग दैट कैन गिव अ लिटिल पुश टू यू नो promoting it also, little businesses starting from home, scratch, and how they make it big. So I felt that I spoke to him and I said, and actually since we got married we've not been able to come out. So this is I'm actually happy. Outing together, yeah, and he told me honestly. Yeah. I'm so happy that I made this call yesterday. Thank you so much yaar, thank you, and thank you guys, bilkul khafa mat ho, bahut pyar karta hu yaar. हाँ जी, म्यूजिक वीडियो अगर बन जाएगा चाहेंगे। हाँ, अरे देखो भैया, ये है कैमरे के पीछे वाले एक्सपर्ट, तो वो उनसे पूछेगा, जब बनाएंगे तो बनाएंगे, बट अभी फिलहाल हम लोग इसको सपोर्ट करने हैं यार, सो लेट्स सपोर्ट दिस, थैंक यू सो मच, थैंक यू।